भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिलहाल काफी रोमांचक मोड पर आ चुकी है, जहां पर खेले गए शुरुआती दोनों टेस्ट महामुकाबलों में टीम इंडिया ने रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करके फिलहाल इन चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से अजेय लीड हासिल कर रखी है। इस सीरीज का तीसरा टेस्ट महामुकाबला हमें 1 मार्च से 5 मार्च के बीच इंदौर के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ साथ यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सेकेंड सीजन के फाइनल महामुकाबले को लेकर जो रेस वो फिलहाल काफी तेज हो चुकी है। आपकी एक टीम ऑस्ट्रेलिया यहां पर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन सेकंड स्पॉट को लेकर फिलहाल चार टीमों के बीच एक बहुत ही बड़ी जद्दोजहद जारी है। लेकिन कौन सी टीम करेगी क्वालिफाई, भारतीय टीम को कितने रनों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी पड़ेगी ताकि टीम इंडिया यहां पर सेफ क्वालिफिकेशन कर जाए, पूरे सिनेरियो का हम बिल्कुल पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सेकंड सीजन का फाइनल महामुकाबला हमें फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 में द ओवल के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा यह मैच होता है। पिछले एडिशन की चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम बनी थी, लेकिन अब की बार यहां पर आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, टेबल में टॉप पर है। और भाई, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अभी तक की पॉइंट टेबल को स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर आपकी रेस की जो लास्ट की 5 टीमें हैं पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है। आपके यहां पर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, ये 5 टीमें पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियन टीम आपकी यहां पर क्वालिफाई कर चुकी है, जो भाई 66.67 की परसेंटेज की विनिंग परसेंटेज के साथ यहां पर टेबल में टॉप पर है। सेकंड नंबर पर फिलहाल भारतीय टीम है, जिन्होंने भाई 10 मैचों में जीत दर्ज की है, 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, 2 मैच ड्रॉ हुए हैं, 6 सीरीज अभी तक खेली है, पॉइंट्स 123 है, -5 की पेनल्टी लग चुकी है, विनिंग परसेंटेज फिलहाल 64.06 है। वही रेस में आपकी फिलहाल श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम भी बनी हुई है, जिसके चलते फिलहाल काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहां पर तैयार हो चुका है। चलिए, भारतीय टीम के क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर हम अच्छी तरह से नजर डालते हैं। तो टीम इंडिया के सामने फिलहाल जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये कि भाई इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को हर हालत में जीत दर्ज करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि इस सीरीज का तीसरा टेस्ट महामुकाबला हमें इंदौर के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है, और वहां पर एक बार फिर से हमें भारतीय टीम के स्पिनर्स धमाल करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते अगर इंदौर वाले महामुकाबले में टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेती है तो टीम इंडिया डायरेक्ट यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले में क्वालिफाई कर जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमें फाइनल मैच देखने को मिलेगा। लेकिन एक और सिचुएशन यहां पर तैयार हो जाती, वो सिचुएशन ये है कि अगर थर्ड टेस्ट महामुकाबले में टीम इंडिया हार जाती तो भाई क्या होगा यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया सिनेरियो। तो इससे भाई भारतीय टीम की जो विनिंग परसेंटेज है वो भी डाउन में जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की जो विनिंग परसेंटेज है उससे फिलहाल टीम इंडिया की विनिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है, जिसके चलते अगर थर्ड टेस्ट मैच में टीम इंडिया हार जाती है और चौथे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, ऐसे में यहां पर डेफिनेटली हमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज के बचे हुए दोनों टेस्ट महामुकाबलों में अगर भारतीय टीम हार जाती है तो भाई एक छोर पर तो आपकी डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी, सेकंड छोर को लेकर भाई नेट रन रेट और विनिंग परसेंटेज का जो सिनेरियो है वो एक अलग सिनेरियो यहां पर तैयार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके मुताबिक किन दो टीमों के बीच हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सेकंड सीजन का फाइनल महामुकाबला देखने को मिलेगा, कौन सी टीम मारेगी दी ओवल के स्टेडियम में बाजी, आपको क्या लगता है कि आपकी भारत होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी या फिर आपकी अफ्रीका या श्रीलंका क्वालिफाई करेगी, आपके मन में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।